हेलो फ्रेंड्स वेरी वॉम वेलकम टू एल के अकेडमी वेलकम टू द करंट अफेयर्स लेक्चर नंबर ट्वेंटी वन आई होप यू हैव गॉन थ्रू ऑल द प्रीवियस लेक्चर्स सो टूडे वी विल स्टार्ट विद अवर लेक्चर नंबर ट्वेंटी वन बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर जो स्क्रीन पे आपको इमेज दिख रही है वो है मार्टिन ल्यूथर किंग की ओके okay, वो यूएसए के काफ़ी बड़े लीडर थे जिन्होंने रेशियल इनक्वालिटी जो रंग भेद की समस्या के okay? पिछले कुछ दिनों से महीनों से हम लोग ब्लैक लाइव मैटर वाला जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं तो सालों पहले उन उन्होंने बेसिकली इस मुहिम को छेड़ा था रेशियल इनक्वालिटी को दूर करने के लिए और वो धीरे धीरे ब्लैक कम्युनिटी से आते हुए भी काफ़ी यू में काफ़ी बड़े लीडर बने थे एंड आफ्टर दैट ही वॉज रिकोगग्नाइज एज अ वर्ल्ड लीडर तो उन्होंने कहा था एक कोट जो हम आज देखेंगे दैट इज़ आई हैव अ ड्रीम राइट सो आपका ड्रीम है आप लोगों ने देखा हुआ है कि मुझे एक्स वाई जेड एग्ज़ाम पास करनी है जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो राइट right? तो देखिए ड्रीम देखना इज़ दी अनदर थिंग एंड टू वर्क ऑन दैट ड्रीम इज़ अनदर थिंग हर कोई देखता है बट वो सपनों को हर कोई पूरा नहीं कर पाता क्यों क्योंकि ऑल दोज हु सी दी ड्रीम डो नॉट हैव द डेडिकेशन टू वर्क ऑन देट ड्रीम तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो आपको टाइम मिला है पढ़िए जितना पढ़ोगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन हो गए उतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए ओके कभी भी आप फैकल्टी को कॉन्टेक्ट कीजिए एंड फैकल्टी विल हेल्प यू टू फुलफिल योर ड्रीम्स इसी के साथ आज के लेक्चर्स की शुरुआत करेंगे और आज का जो पहला हमारा टॉपिक है दैट इज़ ट्रांसपरेंट टेक्सेशन ऑनरिंग दी ऑनिस्ट तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक नया आइडिया लॉन्च किया है एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है जिसको नाम दिया गया है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग दी ऑनेस्ट अब देखिए ट्रांसपरिंग टैक्सेशन नाम से ही पता चल रहा है कि टैक्स सिस्टम के साथ कुछ तो लेना देना होगा अब हमने शायद पिछले इकोनॉमीज के कुछ लेक्चर्स में हमने ये बात की है कि 130 से ज़्यादा करोड़ लोगों का हमारा देश है 130 करोड़ प्लस की हमारी जो आबादी है उसमें से एक परसेंट से भी कम लोग टैक्स भरते हैं महज एक करोड़ या डेढ़ करोड़ लोग टैक्स भरते हैं जो लोग ऑफिशियली जॉब के साथ जुड़े हुए हैं राइट right? अब इतनी बड़ी आबादी में जब इतने छोटी आबादी वाले लोग जब टैक्स भरेंगे तो उनको सरकार चाह रही है कि काफ़ी सारी सहूलियत मिले और उसी के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है ओके सो रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च्ड दी ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग दी ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म टू ऑनर दी ऑनिस्ट टैक्स पेयर ऑफ दी कंट्री जो हर महीने या हर साल अपनी सैलरी में से टैक्स कटवा दे रहा है जो ना टैक्स की चोरी कर रहा है ना टैक्स को डिले कर रहा है तो उन लोगों को ऑनर करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है वॉट इज दिस ट्रांसपरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म तो कुछ नए फीचर्स है टैक्सेशन सिस्टम में उसको ऐड किया गया है इट इज़ एम्ड एट ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन इनकम टैक्स सिस्टम्स एंड एम्पावरिंग टैक्स पेयर्स तो टैक्स पेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले उसके लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है द मेन फीचर्स ऑफ द प्लेटफॉर्म आर फेसलेस असेसमेंट फेसलेस अपील एंड टैक्स पेयर चार्टर तो अभी अगर आपको पता हो इफ़ यू आर पेइंग द इनकम टैक्स या फैमिली में अगर कोई इनकम टैक्स पे पे कर रहा हो तो आपको पता होगा कि अब तक ये होता था कि आपको फॉर्म सिक्सटी ने कंपनी से निकालना पड़ता था उसका प्रिंट आउट निकालना पड़ता था देन देर आर सेवरल अदर फॉर्म्स उसको मैन्युअली फिल करके आपको बेंगलोर में या महाराष्ट्र में जहाँ पे आपका इनकम टैक्स का ऑफिस है या आपका अकाउंट जहाँ पे रजिस्टर है वहाँ पे आपको इनकम टैक्स ऑफिसर को वो पोस्ट करना पड़ता था देन वो वेरीफाई करता था आपके सर इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से आपका टैक्स रिबेट आपको मिलता था इन सारी चीज़ों से अब क्या हो जाएगा छुटकारा मिल जाएगा काफ़ी सालों से ये सिस्टम ऑनलाइन हो चुके हैं बट स्टिल द पेइंग सिस्टम जो है हमारी वो काफ़ी लेंदी है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स है तो उसको क्या बनाया जाएगा ईजी बनाया जाएगा द फेसलेस असेसमेंट एंड टैक्स पेयर चार्टर विल कम इन टू प्लेस इमीडिएटली फ्रॉम द लॉन्च वेल द फेसलेस अपील इज गोइंग टू बी अप्लीकेबल फ्रॉम ट्वेंटी फिफ्थ सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी तो तीन फीचर्स टोटल नए जुड़ रहे हैं टैक्सेशन सिस्टम के साथ उसमें से दो जो फीचर है रेस्ट uh, जो है फेसलेस अपील वो ट्वेंटी फिफ्थ सेप्टेंबर ट्वेंटी ट्वेंटी से लागू होगा नाउ व्हाट इज फेसलेस असेसमेंट इट एम्स टू एलिमिनेट ह्यूमन इंटरफेस बिटवीन द टैक्सपेयर एंड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ठीक है ना जैसे कि मैंने आपको कहा कि टैक्स धक्के खाते रहता था इनकम टैक्स ऑफिस के अगर इनकम टैक्स ऑफिसर को रिश्वत लेनी होती थी तो वो फाइल आगे ही नहीं बढ़ाता था, था और इसकी वजह से टैक्स पेयर परेशान होता था एक तो वो ईमानदारी से टैक्स भर रहा है ऊपर से उसकी परेशानी में बढ़ोतरी हो रही थी तो उसको अब क्या करने की कोशिश की गई है जो ह्यूमन कॉन्टेक्ट है इनकम टैक्स ऑफिस के साथ उसको कम कर दिया जाएगा देर विल बी नो नीड फॉर द टैक्स पेयर टू विजिट द इनकम टैक्स ऑफिस और ऑफिसर ताकि रिश्वत वाला जो मामला था वो यहाँ पे क्या हो गया देखिए सारी चीज़ें डिजिटाइज होने से कहाँ तक का फायदा होगा टैक्स पेयर को भी और पूरी गवर्नमेंट सिस्टम को भी राइट right? जो डीले होता था वो सॉल्व हो जाएगा जो रिश्वत करप्शन जो होता था वो क्या हो जाएगा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा द सिलेक्शन ऑफ अ टैक्स पेयर इज पॉसिबल थ्रू सिस्टम यूजिंग एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेसलेस अपील क्या है सो अंडर सिस्टम अपील्स विल बी अलॉटेड टू एनी ऑफिसर इन द कंट्री द आइडेंटिटी ऑफ द ऑफिसर डिसाइडिंग द अपील विल रिमेन अन ठीक है ताकि जो करप्शन करके जो इनकम टैक्स चोरी के जो मामले थे जिसको रफ़ा दफ़ा कर दिया जाता था वो चीज़ भी अब यहाँ पे नहीं होगी और टैक्स पेयर चार्टर क्या होगा सो दिस आउटलाइंस द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोथ टैक्स ऑफिसर्स एंड टैक्स पेयर्स राइट हमारे देश में देखिए काफ़ी सारे कानून है कायदे हैं बट जो कॉमन सिटीज़न है उसको अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं है और इसीलिए काफ़ी बार ये होता है कि वो वेल विद इन अपने राइट्स में कुछ चीज़ कर रहा होता है बट गवर्नमेंट या जो पुलिस ऑफिसर है वो उसको डरा के धमका के उससे पैसे ले लेता है तो ऐसा ना हो इसके लिए एक पूरा चार्टर रेडी किया जाएगा अभी रिसेंट हम क्या चेंजेस हुए टैक्सेशन सिस्टम में ओके okay, पूरा देखिए इस बार तो पूरा नया टैक्स सिस्टम लाया गया है अगर जिसको ये नया वाला टैक्स सिस्टम फॉलो करना है वो कर सकता है जो नए टैक्स लॉट जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं या तो पुराना वाला टैक्स भी टैक्स पेयर फॉलो कर सकता है सो द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस दैट इज नोन एज सीबीडीटी हैज कैरीड कैरिड आउट सेवरल मेजर टैक्स रिफॉर्म्स इन डायरेक्ट टैक्सेस इन रिसेंट द फोकस ऑन द टैक्स रिफॉर्म्स हैज़ बीन रिडक्शन इन टैक्स रेट्स एंड ऑन सिंप्लीफिकेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स लॉज ट टूज फ्राम थर्टी परसेंट टू ट्वेंटी टू परसेंट इन ट्वेंटी हमारी जो इकोनॉमी श्रिंक हो रही थी उसको बढ़ावा देने के लिए ये चीज़ की गई थी फॉर न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स दी टैक्स रेट्स वर रिड्यूस्ड टू फिफ्टीन परसेंट डिविडेंट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वॉज ऑल्सो अबोलिश्ड इन ट्वेंटी द हैज टेकन सेवरल इनिशियेटिव फॉर ब्रिंगिंग इन अफिशियंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन फंक्शनिंग ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या क्या उन लोगों ने इनिशिएटिव लिए है सो ब्रिंकिंग मोर ट्रांसपेरेंसी इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन थ्रू द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर दैट इज़ नोन एज डी आई एन जैसे आपका टी आई एन होता है ओके okay? वैसे ये है डी आई एन वेर इन एवरी कम्युनिकेशन ऑफ़ द डिपार्टमेंट वुड कैरी अ कंप्यूटर जनरेटेड यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर ठीक है ताकि डॉक्यूमेंट खो जाने की या डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो जाने की कोई भी गुंजाइश ना रहे प्रीफिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स टू इनक्रीज द ईज ऑफ कॉम्पलायंस फॉर टैक्सपेयर्स एंड टू मेक कॉम्प्लायंस मोर कन्वीनियंट फॉर इंडिविजुअल टैक्सपेयर जैसे कि मैंने आपको कहा कि ऑलरेडी ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है काफ़ी सारी चीज़ें टैक्स से रिलेटेड अब क्या हो चुकी है ऑनलाइन हो चुकी है और धीरे धीरे दिन ब दिन उसमें इम्प्रूवमेंट भी हमें देखने को मिल रहा है डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2022 प्रोवाइड फॉर रिजोल्यूशन ऑफ़ पेंडिंग टैक्स डिस्प्यूट्स 2020 में निर्मला सीतारामन ने इसका आइडिया दिया था कि ताकि गवर्नमेंट के प्रति जो भरोसा लोगों का हट गया है एक जो डर का माहौल था और उसकी वजह से इकोनॉमी को बूस्ट नहीं मिल रहा था तो इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए और जो पेंडिंग टैक्स डिस्प्यूट्स है उसको रिजॉल्व करने के लिए वॉलेंटरीली लोगों को कहा गया था कि भाई आ, आओ वॉलेंटरीली अपना टैक्स पे कर दो जो भी आपका डिस्प्यूट है जितना पेंडिंग है गवर्नमेंट को पैसा देना और गवर्नमेंट आपके आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस या कोई भी लीगल केसेस चार्ज नहीं करेगी और आपको सबसे बरी कर दिया जाएगा राइट और इसका काफ़ी फ़ायदा हुआ हमारी इकनॉमी को पिछले कुछ महीनों में ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर न्यू टैक्सेशन इनिशिएटिव नेक्स्ट जो टॉपिक है वो दैट इज़ एन अपडेट टॉपिक प्यूरा इनिशिएटिव ओके तो इसका प्यूरा इनिशिएटिव का आइडिया दिया था एक्चुअली हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम ने द पुणे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन एबल टू इम्प्लीमेंट दी प्रोविजन ऑफ अर्बन इम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज शहरों में जो सुविधाएँ है उसको रूरल एरियाज में किस तरीके से लागू किया जाए उसके लिए एक आइडिया दिया गया था और उस आइडिया के बेस पे एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था यूपीए गवर्नमेंट के टाइम और उसको नाम दिया गया था प्यूरा इनिशिएटिव जिसका फुल फॉर्म है प्रोविजन ऑफ अर्बन इम्यूनिटीज़ इन रूरल एरियाज़ तो कोविड नाइन्टीन में जब रिसर्च हुआ तो ये पता चला कि भाई पुणे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने जो सिटी के जो अच्छे अच्छे जो आइडियाज़ थे इम्यूनिटीज़ थी जो सुविधाएँ थी उसको बखूबी गाँवों में इम्प्लीमेंट कर दिया है प्यूरा वॉज मूटेड बाई द फॉर्मर प्रेसिडेंट मुटेड का मतलब है शुरुआत करना राइट उन्होंने इसका आइडिया दिया था फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर ए पीजे अब्दुल कलामिन जनवरी टू थाउजेंड एंड थ्री एज अ वे ऑफ एम्पावरिंग एंड एक्सेलरेटिंग रूरल डेवलपमेंट द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेड द्यूरा स्क्रीम ऑन पायलट बेसिस इन सेवन क्लस्टर्स फॉर अ पीरियड ऑफ थ्री ईयर दट इज टू थाउजेंड फोर टू टू थाउजेंड फाइव टू टू थाउजेंड सिक्स एंड टू थाउजेंड सेवन प्योरा टू पॉइंट ओ एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम वॉज लॉन्च इन ट्वेंटी ट्वेल्व अगेन फोकसिंग ऑन दी डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल ग्रोथ सेंटर्स सचैज सेंस टाउन ठीक है जो ना शहरों जितने बड़े हैं ना गाँव जितने छोटे हैं जिसे हम टाउन कहेंगे तो उन, उन उन शहरों में उन जगहों पर किस तरह से जो बड़े शहरों की जो एम्यूनिटीज है उसको अप्लाई किया जा सके कि उसके लिए प्योरा टू पॉइंट जीरो का फोकस रहा ऑब्जेक्टिव क्या था जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोविजन ऑफ लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ एंड अर्बन इम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज टू ब्रिज दी रूरल अर्बन डिवाइड ठीक है हमारा जो शहर है वो काफ़ी डेवलप्ड हो चुका है बट जो गांव है वहाँ पे बेसिक अम्यूनिटीज़ की भी कमी है तो वो जो ब्रिज है उसको भरने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है मिशन क्या था अगेन होलिस्टिक एंड एक्सेलेटेड डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पैक्ट एरियाज अराउंड अ पोटेंशियल ग्रोथ सेंटर इन अ ग्राम पंचायत अ ग्रूप ऑफ़ ग्राम पंचायत थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क फॉर प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज एंड अर्बन इम्यूनिटीज टू इम्प्रूव दी क्वालिटी ऑफ लाइफ इन रूरल एरियाज इम्यूनिटीज एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रोवाइडेड अंडर प्योरा इंक्लूड वाटर एंड सीवेज कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ विलेज स्ट्रीट्स देखिए ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है एवरी थिंग अबाउट प्यूरा प्यूरा में फॉलोइंग में से कौन से टॉपिक होंगे या नहीं होंगे सो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट दिस टॉपिक इज इंक्लूडेड इन प्यूरा एंड दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन प्यूरा अगेन आई एम रिपीटिंग कौन से कौन से अर्बन इम्यूनिटीज को प्यूरा इनिशिएटिव में इंक्लूड किया गया है दैट इज़ वाटर एंड सीवेज कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ विलेज स्ट्रीट्स जो आपके इंटरनल रोड्स होते हैं राइट ड्रेनेज सिस्टम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्किल डेवलपमेंट विलेज स्ट्रीट लाइटिंग स्ट्रीट लाइट्स टेलीकॉम सेक्टर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन विलेज लिंक्ड टूरिज्म एंड एट्सेट्रा इन ट्वेंटी फोर्टीन फिफ्टीन दी गवर्नमेंट मेड नो अलोकेशन टू द प्यूरा स्कीम एंड इंस्टेड इंट्रोड्यूस्ड द रूर्बन मिशन विथ एन इनिशियल अलोकेशन ऑफ हंड्रेड करोड़ तो जब नई गवर्नमेंट आई तो प्यूरा का नाम बदल के क्या कर दिया गया रूर्बन मिशन बट इट इट इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग दफ रुर्बन मिशन इज टू क्रिएट थ्री हंड्रेड रूरल ग्रोथ क्लस्टर्स अक्रॉस दंट्री तो ये रूरबन मिशन का ये गोल था राइट तो दिस वाज ऑल अबाउट योर प्यूरा एंड रूर्बन मिशन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर कन्वेंशन ओके तो बरसों पहले चाइल्ड लेबर को लेकर एक कन्वेंशन हुआ था तो उसके बारे में हमें कुछ डिटेल में देखना है तो रिसेंटली दी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज पॉपुलरली नोन एज आई रिसेंटली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन

सारे कंट्रीज किसी ट्रीटी को मान लेते हैं तो देट इज़ नोन एज यूनिवर्सल रेटिफिकेशन सब ने उसको मंजूरी दे दी दी है दे दी है उसको यूनिवर्सल रेटिफिकेशन कहा कह दिया जाएगा तो रिसेंटली चाइल्ड लेबर कन्वेंशन को यूनिवर्सल रेटिफिकेशन मिला है क्योंकि जो उसका लास्ट मेंबर कंट्री था दैट इज़ किंगडम ऑफ टोंगा उसने भी उसको मंजूरी दे दी है इट मीन्स दैट रेटिफिकेशन बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन

मेंबर नहीं है तो उसको आपको लिस्ट आउट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है और देखिए मैंने आपको यहाँ पे मैप में दिखाया है दिस इज दी किंगडम ऑफ टोंगा तो उन्होंने भी इसको रेटिफिकेसन uh, इसको मिल चुका है उन्होंने इसको मंजूरी दे दी है राइट चाइल्ड लेबर एज वी ऑल नो दई एल ओ डिफाइन्स चाइल्ड लेबर एज वर्क दैट डिप्राइव चिल्ड्रन ऑफ़ देयर चाइल्ड हुड देर पोटेंशियल एंड देयर डिग्निटी एंड दस इज़ हार्मफुल टू देयर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट अक्सर कहीं हाईवे पे चाय की टपरीयों पे हमें जो छोटू दिख जाते हैं राइट जिनकी उम्र चौदह साल से कम होगी इंडिया में तो उसको आप क्या कहोगे चाइल्ड लेबर कहोगे और अगर कोई चाइल्ड लेबर करवा रहा है तो वो काफ़ी बड़ा गुना है पुलिस आपको आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगा सकती है ओके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर द आई एल ओ डिफाइन्स चाइल्ड लेबर एज वर्क दैट डिप्राइव चिल्ड्रन फ्रॉम देर देअ चाइल्ड हुड their potential and their dignity and that is harmful to their physical and mental development in the least developed countries slightly more than 1 in 4 children that is aged between 5 to 17 are engaged in labor that is considered डेट्रीमेंटल टू देयर हेल्थ एंड डेवलपमेंट देखिए जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है इवन डेवलपिंग कंट्रीज़ वहाँ पर आपको सेम सिचुएशन देखने को मिलेगी दी इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर इज पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट एट पॉइंट सेवन तो देखिए यूनाइटेड नेशंस ने अपने जो सस्टेनेबल गोल्स है उसमें चाइल्ड लेबर इरेडिकेशन को इंक्लूड किया है दैट वी नीड टू इडिकेट वी नीड टू dismiss child labor from each and every country the un general assembly has declared 2021 as the year of the elimination of child labor so that is, it is another important question for you year 2021 is declared as elimination of child labor by united nations general assembly और कन्वेंशन नंबर 182 क्या है जिसको अभी यूनिवर्सल रेटिफिकेशन मिला है सो द कन्वेंशन वाज अडॉप्टेड बाय आईएलओ मेंबर्स स्टेट्स मीटिंग इन जीनीवाइन इन 1999 इट एम्स टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम द वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर व्हिच इंक्लूड स्लेवरी प्रोस्टिट्यूशन ट्राफिकिंग डिप्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड अदर कंडीशन दैट कॉम्प्रोमाइज देयर ओवरऑल वेलबींग राइट right? जो मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज है छोटे छोटे बच्चों को बंदूक कैसे चलानी है ये सिखाया जाता है क्यों ताकि उनको आगे जाके मिलिटेंट बनाया जा सके जंग में भेजा जा सके तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है राइट right? तो आपको याद रखना है किंगडम ऑफ टोंगा इज द लास्ट कंट्री टू प्रो टू रेटिफाई नंबर 182 ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अदर इंटरनेशनल लॉज ऑन चाइल्ड लेबर क्या है सो द यू एन कन्वेन्शन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड नाइनटीन एटी नाइन इट कंटेन्स द आइडिया दैट चिल्ड्रन आर नॉट जस्ट ऑब्जेक्ट्स हु बिलोंग टू देर पेरेंट्स एंड फॉर होम डिसीजन आर मेड और एडल्ट ट्रेनिंग रादर दे आर ह्यूमन बींग्स एंड इंडिविजुअल्स विद देअर ओन राइट ठीक है तो सारी जिम्मेदारी सिर्फ माँ बाप की नहीं है माँ बाप जो बोलेंगे वैसा बच्चे नहीं करेंगे दैट इज डिफाइंड बाई यू एन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1989 उसको भी ह्यूमन बीइंग की तरह देखा जाना चाहिए इंसान की तरह देखा जाना चाहिए और जो एक एडल्ट को जो भी सारे अधिकार है वो सारे अधिकार एक बच्चे को मिलने चाहिए अपनी जिंदगी के रिलेटेड जो भी अधिकार है अपने वेलबींग well के रिलेटेड जो भी राइट्स है मिनिमम एज कन्वेंशन 1973 सो इट एम्स टू प्रिवेंट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो अ लोअर एज थ्रेशोल्ड और देखिए ये हर कंट्री में अलग अलग हो सकता है राइट बोथ कन्वेंशन नंबर 182 एंड द 1973 मिनिमम ऐज कन्वेंशन आर अमोंग द एट कोर आई एल रिगार्डेड एज एम्बोडिंग द स्पिरिट ऑफ 1998 डिक्लेरेशन ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट्स एट वर्क इंडिया रेटिफाइड कन्वेंशन नंबर 182 एंड द 1973 मिनिमम ऐज कन्वेंशन इन 2017 देखिए इंडिया ने 2017 में जो मिनिमम एज का जो कन्वेंशन था उसको रेटिफाई किया है राइट right? तो ये चीज़ भी आपको पूछी जा सकती है बिकॉज इट इज़ अ रीसेंट न्यूज़ तो ये आपको याद रखना है इंडिया से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो आपको अपने साथ में नोट डाउन करते जाने हैं और ये जो चाइल्ड लेबर के रिलेटेड जो इम्पैक्ट है राइट कंट्री वाइज और चैलेंजेस क्या क्या है कंट्रीज़ के सामने तो वो जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज जो आपको ऐसे राइटिंग में काम आ सकता है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी गई है राइट दिस इज़ जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक ठीक है तो दिस इज़ जस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडी एक बार जस्ट गो थ्रू कर लीजिए स्लाइड को फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ओ पी वी सार्थक रिसेंटली ऑफ शोर पेट्रोल वेसल दैट स्टैंड फॉर ओ पी वी जिसका नाम है सार्थक सो ओ पी वी सार्थक को लॉन्च किया गया है फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड रिसेंटली ऑफ शोर पेट्रोल वेसल जो कि आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है इमेज में दिख रहा है ऑफ शोर पेट्रोल वेसल फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड वॉज लॉन्च्ड एंड नेम्ड एज इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सार्थक ओके अगेन एन इम्पोर्टेंट टॉपिक ओ पी वी सार्थक इज द फोर्थ इन दीरिज ऑफ द इंडिजीनियस प्रोजेक्ट फॉर फाइव ओ पी वीज OPVs आर लॉन्ग रेंज सरफेस शिप्स केपेबल ऑफ कोस्टल एंड ऑफशोर पेट्रोलिंग तो मेन जो पर्पज है उनका बॉर्डर uh, एरियाज में ओशन में पेट्रोलिंग के लिए है पोलिसिंग मेरी टाइम जोन्स कंट्रोल एंड सर्वेलेंस एंटी स्मगलिंग एंड एंटी पायरसी ऑपरेशन विथ लिमिटेड वॉर टाइम रूल्स राइट तो ये वॉर टाइम जहाज़ नहीं है बट वॉर में अगर इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ी तो वो भी वहाँ पर भी वो लिमिटेड सर्विस अपनी दे सकते हैं तो बेसिकली ये पेट्रोलिंग के लिए बॉर्डर uh, जो ओश, ओ, ओशन रीजन है वहाँ पे ये काम करेगा डेवलपमेंट इसका किसने किया है सो ओ पी वी सार्थक हैज़ बीन डिज़ाइंड एंड बिल्ट इंडिजीनियसली पूरी तरह से ये भारत में बना है बाई गोवा शिपयार्ड लिमिटेड इन लाइन विथ दी गवर्नमेंट्स विजन ऑफ मेक इन इंडिया इट हैज़ अबाउट सेवेंटी परसेंट ऑफ इंडिजीनियस कंटेंट दस प्रोवाइडिंग नेसेसरी फिलिप टू दी इंडियन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री एंड दायंट लीप ट अचीविंग आत्मनिर्भर भारत तो पहले मेक इन इंडिया था मेक इन इंडिया का जो अपडेटेड वर्जन है दैट इज आत्मनिर्भर भारत फीचर्स क्या क्या होंगे जो ऑलरेडी मैं बता चुका आपको द शिप इज फिटेड विथ स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट सेंसर एंड मशीनरी इट इज़ डिजाइंड टू एम्बार कैंड कैरी अ ट्विन इंजिन हेलीकॉप्टर फोर हाई स्पीड बोट्स एंड वन इनफ्लेटेबल बोट फॉर स्विफ्ट बोर्डिंग एंड सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन राइट तो ये सारे जो छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होंगे उसको भी वो कैरी कर सकेगा इट इज ऑल्सो केपेबल ऑफ कैरिंग लिमिटेड पॉल्यूशन रिस्पॉन्स इक्विपमेंट टू अंडरटेक ऑयल स्पिल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एट सी ठीक है देखिए ऑइल स्पिल का एक और टॉपिक हम अभी आगे के स्लाइड में पढ़ेंगे राइट right? यूज़ क्या होगा सो द शिप विल बी डिप्लॉयड एक्सटेंसिवली फॉर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सर्वेलेंस कोस्टल सिक्योरिटी एंड अदर ड्यूटीज एज एनरिच्ड इन द कोस्ट गार्ड चार्टर ऑफ ड्यूटीज टू सेव गार्ड द मेरी टाइम इंटरेस्ट ऑफ़ द नेशन राइट अगर आप देखिए कभी अगर आपने डुमस का ओशन देखा हो या तो कभी सोमनाथ का जो सी शोर है दरिया किनारा है अगर वो कभी देखा हो तो गुजरात के कोई भी बीच पे आपको कहीं दूर दूर कोस्ट गार्ड के जो शिप्स है वो आपको देखने को मिल जाएंगे राइट एंड दिस इज द एक्स्ट्रा स्टफ फॉर योर इंडियन कोस्ट गार्ड ओके ये काफ़ी बेसिक सी एजेंसी है काफ़ी इंपॉर्टेंट एजेंसी है फॉर आवर इंटरनेशनल बॉर्डर सिक्योरिटी तो वो हमें पता होने चाहिए जैसे नेवी काम करती है एयरफोर्स काम करता है और आर्मी काम करती है वैसे ही इंडियन कोस्ट गार्ड भी हमारे लिए काम करता है तो दिस दिस इज़ फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो है इसराइल और यू के बीच में पीस डील हुई है ना अगर आपको इसराइल की हिस्ट्री पता है तो इसराइल एंड पैलेस्टाइन ओके दीज़ आर टू रीजन्स जो काफ़ी सालों से एक ज़मीन के टुकड़े के लिए और अपने एग्जिस्टेंस के लिए एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं और दुनिया के देशों को ये या तो वो इसराइल के साथ है या तो वो इसराइल के ख़िलाफ़ है तो आज भी दुनिया में ऐसे कई सारे देश है जो इसराइल को एक देश नहीं मानते क्यों क्योंकि इसराइल ने पैलेस्टाइन की काफ़ी सारी ज़मीन हड़प ली है ओके आरब और जूस के बीच का काफ़ी पुराना वो झगड़ा है आपने पट्टी और वेस्ट बैंक का किस्सा अगर सुना हो राइट तो उसकी वजह से इसराइल और पैलेस्टाइन का जो कॉज है वहाँ पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है और उसकी वजह से मिडल ईस्ट का जो एरिया है राइट ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे मिडल ईस्ट के ऑलमोस्ट सारे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आपको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी राइट क्योंकि लैंड डिस्प्यूट वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है बट मिडल ईस्ट में पीस को बढ़ावा देते हुए यूएई ने एक पहल की है और यूएई ने इसराइल के साथ एक पीस डील की है ओके सो रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैज़ एज अनाउंसड दैट इजराइल एंड द यूनाइटेड अरब अमीराट दैट इज़ यूएई हैव अग्रीड टू एस्टैब्लिश फुल डिप्लोमेटिक टाइज इसका क्या मतलब है कि यूएई ने इज़राइल को भी एक देश मान लिया है फ्रॉम 2020, राइट हैव अग्रीड टू एस्टैब्लिश फुल डिप्लोमेटिक टाइज एज अ पार्ट ऑफ अ डील टू हॉल्ट दशन ऑफ ऑक्युपाइड लैंड सॉट बाई दैलेस्टीनियंस फॉर देर फ्यूचर स्टेट बोथ द यू एंड इसराइल आर द यू एस एज क्लोज अलाइज इन वेस्ट एशिया तो देखिए इसराइल भी यू एस ए का दोस्त है और यू ए भी यू एस ए का दोस्त है तो यू एस ए की काफ़ी अहम भूमिका रही है मीडिएटर के तौर पर और उसने इन दोनों को दोस्त बनने में मदद की है दू एज़ बिकम द फर्स्ट गल्फ आरब स्टेट टू डू सो एंड ओनली थर्ड आरब नेशन ओवरऑल टू हैव अचीव डि डिप्लोमेटिक टाइज विद इसराइल तो देखिए मिडल ईस्ट के जितने भी सारे कंट्रीज है उसमें थे उसमें से अब तक सिर्फ दो ही कंट्रीज ऐसे थे दो हज़ार इजिप्त एंड जॉर्डन जिन्होंने इसराइल को एक कंट्री माना था मतलब उनकी जो एम्बसीज है वो एक दूसरे के देश में होगी वो अपने सिटीजन्स को डायरेक्टली इसराइल में भेजेंगे या पासपोर्ट इशू करेंगे वीज़ा इशू करेंगे राइट यू तीसरा देश बना है जो इजराइल को एक देश मानेगा फ्रॉम द आरए स्टेट्स राइट और गल्फ रीजन में तो यूएई पहला है इजिप्ट मेड अ पीस डील विथ इजराइल इन 1979 फॉलोड बाय जॉर्डन इन 1994 अंडर द डील इजराइल वुड सस्पेंड इट्स प्लान्स टू एनेक्स लार्ज पार्ट्स ऑफ द ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक तो देखिए इजराइल काफी सारे जो अपने पैलेस्टिनियन कॉज है उसको क्या करेगा जाने देगा पैलेस्टाइन के उसके साथ की जो लड़ाई है उसको वो थोड़ा बहुत रोक देगा वेस्ट बैंक इज अ सैंडविचड बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन यहाँ का जो इलाका है ओके okay, जो मेरा हाईलाइटर अभी आपको जहाँ पे दिख रहा है सो दैट इज द एरिया वी आर टॉकिंग अबाउट द वेस्ट बैंक इज अ सैंडविचड बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन वन ऑफ इट्स मेजर सिटीज इज रामल्ला द दिफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ पैलेस्टाइन राइट इसराइल टू कंट्रोल ऑफ इट इन दिक्कस डे आरब इसराइली वॉर इनटीन सिक्सटी सेवन एंड ओवर दर्स एस्टाब्लिस्ड सेटलमेंट देर तो वो वॉर में जीती हुई जमीन है ठीक है जो ओरिजिनली पैलेस्टीनियंस की थी बट उसको हथियार लिया था कि इसने इसराइल ने नाइनटीन सिक्सटी सेवन अ ज्वाइंट स्टेटमेंट फ्रॉम दू एस ए दू एंडरायलड विच सेज़ दैट द डेलीगेशन वुड मीट इन दी कमिंग वीक्स टू साइन डील्स ऑन डिरेक्ट फ्लाइट्स सिक्योरिटी टेली कम्युनिकेशन एनर्जी टूरिज्म एंड हेल्थ केयर ठीक है देखिए पहले जो मैंने बात की कि पहले तो वीज़ा एक दूसरे का दिया जाएगा और एक दूसरे के देश में एम्बसीज ओपन की जाएगी जब कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री को एज अ कंट्री परमिशन देता है या एज अ कंट्री रिकोगनाइज करता है तब वो एक दूसरे के देश में डिप्लोमेटिक रिलेशन uh, को बढ़ाने के लिए एस्टेब्लिश करने के लिए एम्बसीज की स्थापना करेगा बोथ नेशंस विल आल्सो पार्टनर ऑन फाइटिंग द कोविड नाइनटीन पेंडेमिक टुगेदर इट रिमेंस अनक्लियर व्हाट प्रॉम्प्टेड इजराइल एंड यूएई टू मेक द अनाउंसमेंट नाउ इन जून 2020 ट्वेंटी दू ए इज एम्बेसिडर टू दू एस ए दैट इजरायल्स प्लान टू एनेक्स जॉर्डन वैली एंड अदर पार्ट्स ऑफ द ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक वुड अपेंड इज़रायल एफोर्ड टू इम्प्रूव टाइज विद अरब नेशंस तो इसराइल चाहता है कि अरब नेशंस के साथ उसके रिश्ते जो है वो अच्छे हो और यूएई ये ट्राई कर रहा है कि वो अरब नेशन का लीडर बने इसीलिए यूएई काफ़ी सारे लिबरल जो बोल्ड डिसीजन है वो अपने कंट्री के लिए ले रहा है और इंडिया के साथ ऑलरेडी यूएई के जो रिलेशन है वो पिछले काफ़ी सालों में काफ़ी अच्छे हुए हैं इसराइल हैज़ अ डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ वन सिक्सटी टू ऑफ वन नाइनटी थ्री यू एन मेम्बर्स देखिए एक सौ तिरानवे यू एन के जो कंट्रीज़ है उसमें से सिर्फ वन सिक्सटी टू देशों ने वन सिक्सटी टू कंट्रीज ने इसराइल को देश माना है एज़ ऑफ डिसम्बर ट्वेंटी नाइनटीन इसराइल मेन्टेन्स फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ टू ऑफ इट्स अरब नेबर्स इजिप्ट एंड जॉर्डन एक हुआ था नाइनटीन नाइन में और एक हुआ था नाइनटीन नाइन्टी फोर में After signing peace treaties in 1979 and 1994, a peace agreement between UAE and Israel was announced on 13th of August 2020, ending decades of non-recognition from UAE. And kaun se ऐसे countries hai जिन्होंने इस्राइल को देश नहीं माना है तो उसकी list देखिए मैंने आपको यहाँ दी हुई है। Thirty one UN member states do not recognise Israel as a country. वो इस्राइल को देश मानते ही नहीं हैं। वो ये मानते हैं कि इस्राइल जैसा कोई ज़मीन का टुकड़ा है ही नहीं जो भी है वो पैलेस्टाइन है और इसराइल ने ज़बरदस्ती से आर्मी का इस्तेमाल करके पेलेस्टीनियंस का जो हिस्सा है उसको हथिया लिया है दीज इंक्लूड नाइनटीन ऑफ देंटी टू मेम्बर्स ऑफ द अरब लीग दैट इज़ अल्जीरिया बहरीन कॉमोरोज जिबोथी इराक कुवैत लेबन लीबिया मोरिशियाना मोरक्को ओमान कतार सऊदी अरेबिया सोमालिया सूडान सीरिया ट्यूनिशिया एंड येमेन एंड फर्दर अदर नाइन मोस्ट प्रोबेबली मुस्लिम कंट्रीज फर्दर नाइन आर देंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन दैट इज़ ओ आई सी अफगानिस्तान बांग्लादेश ब्रूनेई इंडोनेशिया ईरान मलेशिया माली नाइजरिया एंड पाकिस्तान देखिए हमारे जो पड़ोसी है पाकिस्तान बांग्लादेश इन्होंने और अफगानिस्तान भी तीनों कंट्रीज़ ने मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज है इन्होंने इसराइल को अभी भी कंट्री नहीं माना है और पाकिस्तान और इसराइल नंबर वन दुश्मन है इसराइल पाकिस्तान को काफ़ी बार डरा चुका है कि अगर पाकिस्तान या इवन चाइना अगर ये इंडिया पे अटैक कर रहा है तो इसराइल विल हेल्प इंडिया ठीक है और इसराइल के पास अपनी काफ़ी बड़ी खुफिया एजेंसी है काफ़ी अच्छी आर्मी है राइट तो आए दिन इंडियन काउंटर पार्ट को हेल्प करते रहते हैं और उनके साथ उनके जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज है नेवी एक्सरसाइजेज है वो होते रहते हैं अदर कंट्रीज विच डू नॉट रिकोगगनाइज इसराइल इंक्लूड भूटान क्यूबा एंड नॉर्थ कोरिया इसराइल इज अ अम्बर ऑफ अ नंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो भूटान इज ऑल्सो अवर नेबरिंग कंट्री जो इसराइल को एज अ कंट्री रिकोगनाइज नहीं करता है तो ये चीज़ आपको याद रखनी है ये सारा लिस्ट एज पर माई रिकमेंडेशन यू शुड एबल टू फिल्टर आउट के कौन से कंट्रीज़ इसराइल को एज़ ए कंट्री रिकोगनाइज़ करते हैं और कौन से कंट्री इसराइल को ऐज़ ए कंट्री रिकोगनाइज़ नहीं करते हैं और अरब कंट्रीज़ में ओनली यू ए जॉर्डन एंड ईजिप्ट ये तीन ही कंट्रीज़ है जो यू ए को एज ए कंट्री रिकोगनाइज़ करते हैं और बैकग्राउंड जो जैसा ही मैंने आपको बता दिया सो दिस इज़ जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज पूरी स्टोरी क्या है वो आपको मैंने यहाँ पे दी हुई है राइट right? कि क्यों हम गाज़ा पट्टी वाला जो डिस्प्यूटेड एरिया है जैसे हमारे लिए कश्मीर है पी के पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में डिस्प्यूटेड लैंड है उसी तरह से गाज़ा पट्टी इसराइल और पैलेस्टीनियन के बीच में वो लड़ाई चलती रहती है राइट सो दिस इज़ जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर बैकग्राउंड पर्पज़ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नेवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन सो रिसेंटली दी नेवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ नोन एज एन आई आई ओ हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है टू फॉस्टर इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन फॉर सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस इन कीपिंग विद द विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत तो डिफेंस में किस तरह से मोस्ट प्रोबेबली नेवी में नेवी में किस तरह से आत्मनिर्भर भारत को इम्प्लीमेंट किया जा सके जो भी नेवी की ज़रूरत है रिक्वायरमेंट है मेजरली हम अभी क्या कर रहे हैं इम्पोर्ट कर रहे हैं उसको किस तरीके से इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करके यूज़ किया जा सके उसके बारे में ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है

वर्किंग ग्रुप अंडर द एनटेक विल इंप्लीमेंट द प्रोजेक्ट्स तो एक वर्किंग ग्रुप होगा जो फिल्टर्ड आउट आइडियाज़ होंगे जो अच्छे आइडियाज़ होंगे उनको इंप्लीमेंट करेगा एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सेलरेशन सेल दैट इज़ टीडेक हैज बीन क्रिएटेड फॉर इंडक्शन ऑफ इमर्जिंग डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी इन एन एक्सेलरेटेड टाइम फ्रेम तो जो आइडियाज़ रिकॉग्नाइज हुए हैं उसको किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस मिलेगा वो कौन देखेगा टीडेक का, का काम होगा इंडियन नेवी ऑलरेडी हैज़ अ फंक्शनल डिरेक्टोरेट ऑफ इंडिजनाइजेशन एंड द न्यू स्ट्रक्चर विल बिल्ड अपऑन दिन गोइंग इंडिजनाइजेशन इनिशियटिव एज वेल एज फोकस ऑन इनोवेशन कम्पेडियम ऑफ इंडियन नेवीज इंडिजनाइजेशन परस्पेक्टिव प्लान टाइटल स्वावलंबन हैज ऑल्सो बिन रिलीज तो एन आई आई ओ के साथ स्वावलंबन करके एक और एक इनिशियेटिव रिलीज किया गया है

फाइट कंपोनेंट तो ये फाइट कंपोनेंट अभी हम क्या कर रहे इंपोर्ट कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज है उसको कैसे इंडिया में बनाया जाए उसके ऊपर आने वाले में क्या किया Focus किया जाएगा जाएगा जो हमारा है है ठीक जैसे मैंने आपको बताया जब हमने ओपीवी सार्थक के बारे में बात की तो हमने ऑयल स्पिल के बारे में बताया सो ऑयल स्पिल इन मोरिशियस अभी एक इंसिडेंट हुआ है मोरेशियस के पास जहाँ पे एक जापानीज जहाज जो ऑयल कैरी कर रहा था वो समंदर में टूट गया लीकेज की वजह से और जो पूरा ऑयल था वो समंदर में बिखर गया अ जापानीज बल्क करियर शिप जिसका नाम था एमवी वाकाशियो विच वाज कैरिंग फ्यूल ऑयल हैज स्प्लिट इन टू टू पार्ट नियर ब्लू बे मरीन पार्क ये नाम आपको याद रखना है मोरिशियस के पास ब्लू बे मरीन पार्क में वो वहाँ पे लीकेज होकर टूट गया है ब्लू बे मरीन पार्क इन साउथ ईस्ट मोरिशियस द शिप वॉज ऑलरेडी लीकिंग एंड हैज कॉज्ड एन ऑयल स्लीप ओवर वन थाउजेंड टी इन द इंडियन ओशन तो देखिए आपको अगर ग्लोबल मैप में देखना है तो इंडियन ओशन में यहाँ पर राइट right? मोरिशियस के ईस्ट साइड में और अगर उसको जूम करके मैं अगर आपको दिखाऊँ तो आपको देखिए ये जो पॉइंट डिजनी आपको दिख रहा है उस एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर ये फ़र्क पड़ेगा ओके सो मॉरिशियस डिक्लेयर्स इमरजेंसी एज ऑयल टेंकर लीक्स वन थाउजेंड टनस ऑफ फ्यूल इन टू इंडियन ओशन अब आप अगर पिछले कुछ लेक्चर पीछे जाओगे तो हमने रशिया में एक रिवर में एक ऑयल लीकेज वाला एक न्यूज़ पढ़े थे आपको इसके साथ साथ इसके पहले उस न्यूज को रिवाइज कर लेना है राइट right? ताकि वो भी आपका एक टॉपिक ब्रश अप हो जाए वेसल हैज ब्रोकन नियर पॉइंट डिजनी इन मोरिशियस ऑलरेडी मैं आपको ग्रा मैप में बता चुका हूँ पॉइंट डिजनी इन मोरिशियस एंड द एरिया हैज मैनी एनवायरमेंटली सेंसिटिव जोन्स देखिए ये जो पिंक वाला जो पूरा एरिया है दैट इज ऑलरेडी ऑल फिशिंग रिजर्व येलो वाला जो एरिया है दैट इज मरीन पार्क दीज आर मार्च और स्वैंप ब्लू वाला जो एरिया है दोज आर रिजर्व यर्स एंड ये जो आपको बॉर्डर पूरा दिख रहा है दोज ऑल्स आर कोरल रीफ राइट कोरल रीफ के बारे में एक पूरा ब्रीफ डिस्कशन और ऑलरेडी लॉकडाउन के पहले के कुछ लेक्चर्स में कर चुके हैं यू नीड टू रिवाइज दैट ऑल्सो अगर आपको याद है वेरी वेल एंड गुड सो दैसल हैज ब्रोकन नियर पॉइंट डिजनी मोरिशियस एंड दी एरिया हैज़ मैनी एनवायरमेंटली सेंसिटिव जोन्स इसके इफेक्ट क्या होंगे सो सोधी ऑयल्स मिल देखिए अब जब ज़मीन में जब हम टॉक्सिक मटेरियल्स डालेंगे या जब ओशन में टॉक्सिक मटेरियल डालेंगे तो उसकी एनवायरमेंटल इफेक्ट तो बुरी ही होने वाली इतना तो हमें पता है साथ साथ और कौन सी इफेक्ट होगी इकोनॉमिक इफेक्ट होगी राइट जो इतना वन थाउजेंड टन जितना ऑयल जो ऑलरेडी बिखर चुका है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था ये सारी चीज़ें जो जहाज़ था मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो शिप रहा होगा वो टूट के समंदर में डूब जाएगा तो वो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल इफेक्ट दो मेजर इफेक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे द ऑयल स्पिल थ्रेटन्स द इकोलॉजी ऑफ दिस कोस्ट लाइन ऑफ मॉरिशियस एंड द मरीन लाइफ इन द इंडियन ओशन इट एंडेंजर्स द ऑलरेडी एंडेंजर्ड कोरल रीफ्स सी ग्रासिस इन दैलो वाटर्स मैंग्रोव द फिशीज एंड द अदर एक्वेटिक फोना तो देखिए कितनी सारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा ये चीज़ ये इंसिडेंट सम की वाइल्ड लाइफ एट रिस्क इंक्लूड्स जायंट टोर्टोज एंडेंजर्ड ग्रीन टर्टल एंड द क्रिटिकली एंडेंजर्ड पिंक पीजियन तो मॉरिशियस में ये पर्टिकुलर पिंक कलर के पीजियन आपको देखने को मिलते हैं तो उसको भी ये इफेक्ट करेगा कि इनडायरेक्टली द पिंक पीजियन इज अ स्पीशीज ऑफ पीजियन Endemic to the Mascarene island of Mauritius, it has been listed as endangered in the International Union for Conservation of Nature, that is IUCN Red List of Threatened Species. Okay, तो वो ऑलरेडी एंडेंजर्ड लिस्ट में है, और उसको ये इंसिडेंट के बाद वो और खतरे में आ जाएगा। लाइबिलिटी किसकी होगी सो अंडर द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल लाइबिलिटी फॉर बंकर ऑयल पोल्यूशन 2001, थाउजेंड एंड वन दोनर्स ऑफ वेसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज कॉज्ड बाई ऑयल टैंक्स, वो गवर्नमेंट भी हो सकता है वो कोई प्राइवेट कंपनी का भी शिप हो सकता है दिस कन्वेंशन ऑल्सो नोन एज बंकर कन्वेन्शन

वेन कैरीड एज द फ्यूल इन शिप्स बंकर्स और ब्लू बे मरीन पार्क क्या है सो इट इज डेजिग्नेटेड एज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस बाई रामसर कन्वेंशन नाव अगेन वन स्मॉल होमवर्क टॉपिक इंडिया में कौन से ऐसे कौन से और कितने इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के वेटलैंड है जिनको लिस्ट आउट किया गया है ओके दोज आर इन मॉन्ट्रेयस रिकॉर्ड अगर आपको याद हो तो ओके okay, अगर कुछ लाइट हो रहा है तो मॉन्ट्रेयस रिकॉर्ड में कौन से दो वेटलैंड्स को इंक्लूड किया गया है ओके द प्रेजेंस ऑफ कोरल रीफ्स मैंग्रोव्स सीग्रास मिडोज एंड मैक्रोलगी मेक इट एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन और होमवर्क में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि रशियन ऑयल स्पिल जो भी पिछले ही महीने की बात है उसके बारे में आपको एक बार रिवाइज uh, कर लेना है जस्ट गो थ्रू दी गो थ्रू योर नोट्स और प्रीवियस लेक्चर्स आपको वो टॉपिक आसानी से मिल जाएगा और देखिए यहाँ पे और एक चीज़ में आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए जो हेल्पफुल है वो बताना चाहूँगा जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो उसके साथ रिलेशन में देर आर मल्टीपल टॉपिक्स क्योंकि वो टॉपिक अपने पास्ट में पढ़े हुए हैं जस्ट आपके पन्ने घुमाइए और उसको एक मिनट दो मिनट या तीन मिनट में उसको रिवाइज कर लीजिए ठीक है एक टॉपिक पे जस्ट एक मिनट या दो मिनट पे एट ग्लान्स उसको एक बार जस्ट पढ़ जाइए ताकि आपके जो भी फैक्ट्स होंगे जो फिगर्स होंगे उसमें वो सारे आपके रिवाइज़ हो जाएंगे जो भी धूल लगी होगी उस पर वो क्या हो जाएगी दूर होती जाएगी और इस तरीके से आपको जब मैन यू आर गोइंग फॉर एग्ज़ामिनेशन जब एग्ज़ाम नज़दीक आ रही होगी तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद रखने की जो प्रेशर है वो आपके ऊपर नहीं रहेगा क्यों क्योंकि आप ऑलरेडी पिछले साल में उसको दसवें बार पढ़ चुके होंगे तो आपको वो याद रखने का प्रेशर आपके ऊपर नहीं होगा तो मेक दिस हैबिट राइट अभी तो मैं जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि ये आपको हेल्पफुल होगा वहाँ ऐसे होमवर्क के टॉपिक जो पास्ट में हमने कवर कर दिए वो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ बट हो सकता है कि सारे टॉपिक में हाईलाइट ना कर पाऊँ सो दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड योर टास्क कि टॉपिक आप लिंक करके उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए दैट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन नेक्स्ट जो एक छोटा सा एन इंटरेस्टिंग टॉपिक है दैट इज़ नवरोज जो है हमारा पारसी न्यू ईयर जिसको मनाया गया 16 अगस्त 2020 के दिन सो ग्लोबली नवरोज इज़ सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ मार्च हवेवर इन इंडिया इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन सिक्सटींथ ऑफ अगस्त बिकॉज ऑफ़ दी शहनशाही कैलेंडर दैट इज़ फॉलोड बाई पारसीज़ इन इंडिया और पारसीज की हिस्ट्री क्या है पारसी आए थे ईरान से और गुजरात में उनको संजाण में उनको जगह दी गई थी दी शहनशाही कैलेंडर डजेंट अकाउंट फॉर लीप ईयर्स और ये कुछ और न्यू ईयर्स है जो दुनिया के, आ, इंडिया के अलग अलग जगहों पे स्टेट्स में रीजन में मनाया जाता है वो है चैत्र शुक्ल प्रतिपादा इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर ऑफ द विक्रम संवत ऑल्सो नोन एज दैदिक कैलेंडर विक्रम संवत इज बेस्ड ऑन दी डे वेन द एम्प्रर विक्रमादित्य डिफिटेड शकास इन्वेडेड उज्जैन एंड कॉल्ड फॉर अ न्यू एयरा गुड़ी पड़वा एंड उगादी सेलिब्रेटेड इन दी मंथ ऑफ चैत्र शुक्ल प्रतिपादा एज पर दिंदू ल्यूनार कैलेंडर डेक्कन रीजन इंक्लूडिंग कर्नाटका आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र राइट जब मैं आंध्र प्रदेश बोल रहा हूँ तो वहाँ पे तेलंगाना भी इंक्लूड हो गया एंड महाराष्ट्र का जो कर्नाटका से सटा हुआ जो बॉर्डर रीजन है वहाँ पे उगादी मनाई जाएगी इन अदर स्टेट ऑफ इन अदर पार्ट ऑफ़ महाराष्ट्र गुड़ी पाड़वा मनाया जाएगा नवरे

चेटी चांद जो कि सिंधियों का न्यू ईयर है इट इज सेलिब्रेटेड बाई द सिंधी कम्युनिटी चैत्र इज कॉल्ड इन सिंधी एंड इट इज नोन इज चेटी चांद द डे कॉमोमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इष्टदेव देव the patron सेंट ऑफ सिंधी कम्युनिटी और बिहू जो कि मनाया जाता है असम में सो इट इज सेलिब्रेटेड थ्री टाइम्स अ ईयर रंगोली और बोहंग बिहू इज ऑब्जर्व इन अप्रैल कोंगाली और कटी बिहू ऑब्जर्व इन अक्टूबर भोगाली और माघ बिहू इज ऑब्जर्व इन जनवरी, रंगोली और बोहाग बिहू इज दी असम इज न्यू ईयर एंड स्प्रिंग फेस्टिवल तो देखिए फार्मिंग के हिसाब से ये तीन बिहू के अलग अलग जो टाइप है वो वहाँ पे मनाए जाते हैं द रंगोली बिहू कॉइंसाइड्स कौंस, विथ सिख न्यू ईयर दैट इज बैसाखी तो ये अलग अलग रीजन के जो न्यू ईयर कब मनाए जाते हैं उसके बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया और ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए एंड दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट लिंक्स टू योर आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट राइट चलिए बैसाखी के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके इट इज़ सेलिब्रेटेड एज एन इंडियन थैंक्स गिविंग डे बाई डे फार्मर्स इट ऑल्सो हैज रिलीजियस सिग्निफिकेंस फॉर दिस सिक्स कम्युनिटी एज द फाउंडेशन ऑफ द खालसा पंथ वॉज लेड ऑन दिस डे बाई गुरु गोबिंद सिंह और लोसुंग जो है लोसुंग ऑल्सो नोन एज नामसुंग इन द सिक्किम इज न्यू ईयर इट इज़ यूजअली द टाइम द फार्मर्स रीजॉयज एंड सेलिब्रेट देयर हार्वेस्ट इट इज़ मोस्टली सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ डिसम्बर एवरी ईयर विथ ट्रेडिशनल गेटी एंड कलर बोथ बाई लापचाज एंड भूटियाज तो ये लसुंग बैसाखी नवरे ये सो जो सारे रीजन वाइज जो मेन न्यू ईयर्स थे उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम अगेन क्यों क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने फिफ्टींथ ऑफ ऑगस्ट को अपने एड्रेस टू नेशन में अपनी स्पीच में फ्रॉम द रेड फोर्ट इसको लॉन्च किया है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनाउंसड द लॉन्च ऑफ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन ऑन सेवेंटी फोर्थ इंडिपेंडेंस डे देखिए कोई नई चीज़ नहीं है जस्ट जो कॉमन सिटीज़न की जो हेल्थ डिटेल्स है उसको एक तरीके से डिजिटाइज़ किया जाएगा ताकि मान लीजिए हाईवे पे अगर कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए तो देखिए इंडिया में भी इतनी फैसिलिटी नहीं है कि अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है कोई इमरजेंसी हो जाता है तो यूनिक नंबर के ऊपर आप उसकी सारी मेडिकल हिस्ट्री निकाल सकते हो ठीक है इवन जो फ़ैमिली मेंबर्स होते हैं उनको भी पता नहीं होता कि आपके फैमिली मेंबर्स को एलर्जी क्या है कौन सी दवाई उनको लेनी चाहिए या कौन सी दवाई उनको नहीं लेनी चाहिए तो इसके लिए गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि हर सिटीज़न को लाइक आधार कार्ड एक यूनिक हेल्थ आईडी दिया जाएगा और उस हेल्थ आई को स्कैन करते ही जो डॉक्टर होगा या जो नर्सिस होंगे उनके सामने पेशेंट की सारी मेडिकल हिस्ट्री आ जाएगी या उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी है डायबिटीज़ है हार्ट की हार्ट से रिलेटेड कोई इशू है लंग से रिलेटेड कोई इशू है ये दवाई अभी चल रही है ये रिकमेंडेशन है ये एलर्जी है एक्स वाई जेड ए टू जेड डिटेल्स राइट अब ये क्यों काम का है जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में होता क्या है कि पहले तो ब्लड ग्रुप कौन सा ये पता नहीं चलता ब्लड ग्रुप पता करते करते इतना टाइम निकल जाता है कि क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट की डेथ हो जाती है इन सारे जो डिफ़िकल्टीज है उसको ओवरकम करने के लिए ये सारे जो गैप्स है हेल्थ सर्विसेज में उसको भरने के लिए हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया है ऑन दी ओकेजन ऑफ सेवेंटी फोर्थ इंडिपेंडेंस डे बाय आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर दिस इज़ अ पार्ट ऑफ थ्री डिजिटल अनाउंसमेंट मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडिंग अ न्यू साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी एंड ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी टू सिक्स लैक विलेजेस इन दी कंट्री उसके बारे में कभी और डिस्कशन करेंगे नाउ आर फोकस इज ऑन नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन द एन डी एच एम इज़ अ कम्प्लीट डिजिटल हेल्थ इको सिस्टम जैसे आपका देखिए आधार कार्ड है दैट इज़ योर यूनिक आईडी आपका एड्रेस बाकी सारी डिटेल्स ओके बैंक पान आईडी सारी चीज़ें आधार से लिंक है गवर्नमेंट के डेटाबेस में सारी चीज़ें आपकी क्या हो गई स्टोर हो गई बट आपकी हेल्थ डिटेल अभी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है तो उसके लिए ये और एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है

जिसको ग्लोबल लेवल पे रिकगनाइज किया गया है प्रेस किया गया है द्लेटफॉर्म विल बी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ एन एप्लीकेशन एंड ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट द डिजी डॉक्टर ऑप्शन विल अलाउ डॉक्टर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री टू एनरोल एंड देयर डिटेल्स इंक्लूडिंग देयर numbers, if इफ़ दे to टू प्रोवाइड देम विल अवेलेबल राइट तो देखिए गुजरात के कोई छोटे से इंटीरियर गांव में बैठा हुआ अगर कोई इंसान जो मॉनेटरी सिचुएशन की वजह से उसके पास पैसे नहीं है ट्रैवल करने के लिए या इलाज करवाने के लिए अगर वो घर बैठा किसी बड़े डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहता है तो अगर कोई डॉक्टर वॉल्टरिल इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करवाएँगे लोगों को हेल्प करने के लिए तो उसका जो नंबर है वो अवेलेबल हो जाएगा वो इस इंसान को जो वो एप्लीकेशन इस्तेमाल करता है वो डायरेक्टली चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने में बैठा हो डॉक्टर और वो पेशेंट वो दोनों एक दूसरे के साथ जस्ट कितने दूर होंगे जस्ट अ फोन कॉल अवे ओके वेरी फैसिनेटिंग आइडिया राइट द डिजी डॉक्टर ऑप्शन विल अलाउ डॉक्टर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री टू एनरोल एंड देयर डिटेल्स इंक्लूडिंग देयर कॉन्टेक्ट दे वांट टू प्रोवाइड देम विल बी अवेलेबल दीज डॉक्टर्स विल आल्सो बी असाइंड डिजिटल सिग्नेचर्स फॉर फ्री विच कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग प्रिस्क्रिप्शंस देखिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है उसका एक काफ़ी बेस्ट एग्जाम्पल इज दिस इट विल बी वॉलेंटरीली फॉर द हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स टू प्रोवाइड डिटेल्स फॉर दी एप्लीकेशन तो ये वॉल्ट्रिली चीज़ होगी हर डॉक्टर को रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है कोई डॉक्टर अगर लोगों की हेल्प करना चाहता हो विद इन दिस टिपुलेटेड टाइम तो वो अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं हेल्थ आई डी क्या होगा तो जैसे कि मैंने आपको बताया the national health id will be a repository of all health-related information of every indian. various healthcare providers, such as hospitals, laboratories, insurance companies, online pharmacies, telemedicine firms, will be expected to participate in the health id system. every patient who wishes to have their health records available digitally, मस्ट क्रिएट अ यूनिक हेल्थ आई डी यूजिंग दर बेसिक डिटेल्स इंड मोबाइल और आधार नंबर ईच हेल्थ आई डी विल बी लिंक्ड टू अल्थ डेटा कंसेंट मैनेजर विच विल बी यूज टू सिक देशेंट्स कंसेंट एंड अलाउ फॉर सीमलेस फ्लो ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स मॉड्यूल राइट काफ़ी ताकि इमरजेंसी की सिचुएशन में ये सारे जो के रिकॉर्ड है वो काम आ सके डॉक्टर उसको रिफर कर सके बिफोर ऑपरेटिंग अ पर्सन the health id will be voluntarily and applicable across states hospitals diagnostic laboratories and pharmacies to so, jo health id hoga wo hospitals diag diagnostic laboratories jo hogi unke liye kya hoga voluntary provision hoga okay so aise ek national health mission launch kiya gaya hai so this was your today's lecture now these are some other small small topics that you need to रीड ऑन योर ओन काफी सिंपल से टॉपिक्स है जो आपको एक बार पढ़ के उसके नोट्स आपके नोट के साथ जोड़ देने हैं तो पहला है माउंट शीनाबंग ओके ये इंडोनेशिया के साथ जुड़ता हुआ एक टॉपिक है जो आपको देखना है रशियन कोविड वैक्सीन जिसको नाम दिया गया है स्पुटनिक ओके उनके पहले सैटेलाइट के ऊपर ये नाम दिया गया है तो उसके बारे में आपको ये पढ़ना है देखिए अभी भी डब्ल्यू ने इस वैक्सीन को ऑथोराइज नहीं किया है या परमिशन नहीं दी है रशिया इज़ क्लेमिंग दैट वी हैव प्रोड्यूस्ड अ वैक्सीन तो अभी ये नहीं मान सकते कि ये वैक्सीन सक्सेसफुल है या नहीं है या कितनी सक्सेसफुल है कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है ओके okay? तो जस्ट वी नीड टू रीड इट फॉर आवर नॉलेज ओके करंट अफेयर्स का टॉपिक है इसलिए हमें उसे पढ़ लेना है जब ऑफिशियल न्यूज़ आएंगे तब उसको हम वापस एक बार और कवर करेंगे इंडिया नेपाल टॉक्स देखिए इंडिया और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर को लेकर जो डिस्प्यूट चल रहे थे उसके बाद इंडिया और नेपाल पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बात करेंगे बट इसका जो फोकस जो होगा वो मेनली ये होगा कि इंडियन इन्वेस्टमेंट जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं नेपाल में उसका प्रोग्रेस क्या है उसको जानने के लिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर और नेपाल प्राइम मिनिस्टर और अदर काउंटर पार्ट जो है दोनों कंट्रीज़ के ऑफिसर जो है वो बातें करेंगे तो उसके बारे में आपको एक बार पढ़ लेना है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कोविड नाइन्टीन से उभर कर आया है कोविड नाइन्टीन के लिए जो अगर आपको पता हो तो मॉरेटोरियम पीरियड दिया गया था बैंक्स की तरफ से और उसकी वजह से काफ़ी सारे लोन में बदलाव किए गए लोन स्ट्रक्चर में बदलाव किए गए और आने वाले काफ़ी समय में लोन को लेकर काफ़ी सारे बदलाव किए जाएंगे आर की तरफ से अदर बैंक्स की तरफ से तो उसके लिए केवी कामत कमेटी बनाई गई है ठीक है ये आपका इकोनॉमिक्स से जुड़ता हुआ सब्जेक्ट है सो so आपको पढ़ना है व्हाट इज दी कामत कमिडी ऑन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स राइट और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन तो ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है तो दिस वाज योर टॉपिक्स फॉर योर होमवर्क प्लीज 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 डू नॉट इग्नोर दिस टॉपिक्स दिस आर एज इम्पॉर्टेंट एज द टॉपिक्स कवर्ड इन अवर लेक्चर्स राइट सो दिस इज अपू यू एंड दिस इज नाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लीज अंडरलाइन दैट इफ यू हैव एनी डाउट देन जस्ट लेट मी नो स्टे होम स्टे सेफ Thank you.